यमुनानगर विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बिजली बोर्ड का असिस्टेंट लाइनमैन गिरफ्तार हुआ है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मीटर लगाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी, 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यमुनानगर विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर विजिलेंस की ओर से टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। बिजली बोर्ड का असिस्टेंट लाइनमैन गिरफ्तार हुआ है, जो कि रिश्वत ले रहा था। विजिलेंस की टीम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए लाइनमैन को गिरफ्तार किया गया। मीटर लगाने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। बिजली बोर्ड का असिस्टेंट लाइनमैन रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। 10,000 की रिश्वत ले रहा था, रंगे हाथों विजिलेंस की टीम ने उसे पकड़ लिया है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एक और बड़ा एक्शन लिया गया। असिस्टेंट लाइनमैन 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। मीटर लगाने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। यमुनानगर से यह बड़ी खबर सामने आई है। विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बिजली बोर्ड के असिस्टेंट लाइनमैन को गिरफ्तार किया है, जो कि रिश्वत ले रहा था। 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मीटर लगाने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। बिजली बोर्ड का असिस्टेंट लाइनमैन पुलिस की गिरफ्त में है। विजिलेंस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। देवीदास सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवीदास, कैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी विजिलेंस की टीम ने, कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? जी बिल्कुल, जो विजिलेंस की टीम है एंटी करप्शन ब्यूरो, उनके पास मैसेज आया कि जो बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं वो काम करने के एवज में पैसे मांग रहे हैं। तो इसको लेकर के जो एक टीम तैयार गई, जो विजिलेंस इंस्पेक्टर ने बताया कि जो मौके पर जो इनकी जो थी रिकॉर्डिंग भी थी, और जो इसने जो पैसे जैसी डिमांड करी है, जो टीम था उसने उसको दबोच लिया है, और 10,000 रुपया इसने जो है रिश्वत का जो है इनसे लगे हाथों बरामद भी हो गया है। जी शुक्रिया आपका देवीदास तमाम जानकारी के लिए। 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों लाइनमैन पकड़ा गया।